मित्रों, आज दो कार्यक्रम यहां पर नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए। एनएच 200 के कामाख्या नगर धुबरी चार लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है, परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, कहते हैं कि भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है, और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ, काला हंडी के मोटर से बैनर तक लाड़ू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई का यह मार्ग 34 करोड़ रुपए से आज जब समाप्त होगा, इस रास्ते को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो इरिगेशन का रकबा बढ़ाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे नए डैम बनाना हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, छोटी सी पुलिया बनानी हो, या नेशनल हाईवे बनाना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों के साथ जोड़ना हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 9 साल के अंदर एक बहुत महत्व दिया गया। इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और इसलिए फास्टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना और प्रौद्योगिकी पर जोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, ये सब का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे, और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इस राजमार्गों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से आर्थिक गतिविधियां और सुचारू रूप से चलेगी। जहां तक ओडिशा का सवाल है, ढेर सारी प्रमुख परियोजनाएं की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 बालासोर से जार पोखरिया तक लगभग 80 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए की खर्च से, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बिंजाब हाल से तेलीबानी खंड 78 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 सिंगारा बिंजा बहल खंड 104 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बहरागोड़ा से सिंगारा तक और 88 किलोमीटर और 1200 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 तेलीबनी से संबलपुर तक 51 किलोमीटर 712 करोड़ रुपये की लागत, और कामाख्या नगर धुबरी खंड 761 करोड़ की लागत से आज समाप्त हो रहा है। ये जो विकास का काम हुआ है,
इससे समग्र ओडिशा के अर्थतंत्र को गति मिली है।